मैं सिराज शाब्दी, जनता दल वर्किंग यूथ प्रेसिडेंट गुलबर्गा, और मेरे साथ जनाब अजमत उल्ला खादरी साहब, शेख सैफन और अजमत पटेल साहब मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद, आप लोग कल एक वीडियो देखे थे जहां पे हमारी यूथ टीम और एजुकेशनल स्टूडेंट विंग, ये लोग गुलबर्गा नॉर्थ बीए ऑफिस गए थे बिकॉज वी गॉट सम इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे जो फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रोग्राम्स हुए थे हुकूमत की तरफ से, उसमें से कई सारे लगभग 200 से ज़्यादा साइकिल बीए ऑफिस गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ दोनों जगह स्क्रैप, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुए और वो स्क्रैप हो गए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के काबिल भी नहीं रहे। तो इसका इंस्पेक्शन करने के लिए पर्सनली यू टीम और एजुकेशनल विंग वहाँ पे गए थे, और आप लोग बाकी का वो वीडियो में देखे कि किस अंदाज से ये लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके उन साइकिलों को स्क्रैप कर दिए ये लोग। बहरहाल बात है, दो बात नजर आती है कि 200 साइकिलों की बल्कि, मगर आप गौर करने वाली बात है कि वो 200 स्टूडेंट्स की जरूरत थी, वो साइकिल जो हुकूमत की तरफ से दिए थे कि स्टूडेंट को ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंस के लिए दिया गया था, पर ये लोगों की लापरवाही की वजह से गुलबर्गा नॉर्थ और गुलबर्गा साउथ मिला के लगभग आपको 400 से ज़्यादा साइकिल मिलेंगे, जो एक गरीब मुस्तैक स्टूडेंट का हक था, वो उन तक पहुंचना ज़रूरी था। अब ये लापरवाही हुई सो है, अब जब हम मार्केट में जब सर्वे किए तो जब वहाँ पर ये भी मालूम हुआ कि ये कई सालों से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करके ये लोग यहीं पर रखे हुए हैं बोल के, तो इसके जिम्मेदार देखा जाए तो एजुकेशनल सेक्टर से एजुकेशनल डिपार्टमेंट वाले लोग भी होते हैं, और उसके साथ साथ जिम्मेदार इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, क्योंकि उनका काम रहता कि जाके एजुकेशन सेक्टर के ऊपर जो बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए आते हैं वो उनको पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे वो लोग देखना चाहिए, बशर्ते इसको ना देखते हुए आज गुलबर्गे की हालत ऐसी है एजुकेशन सेक्टर में कि हम एजुकेशन सेक्टर को कहीं पीछे नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जहां पर एक अगर घर से एक अगर स्टूडेंट अगर एजुकेटेड होकर बाहर निकलता है तो पूरे घर का एक जरिया बन जाता है वो, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एजुकेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना और वो स्टूडेंट्स को उनके बेनिफिट उनको पहुंचाना। ये 200 साइकिल की बात नहीं है, 200 साइकिल, एक साइकिल की वैल्यू एज पर रिपोर्ट के हिसाब से जो मेरे पास है 3900 रुपए एक साइकिल की वैल्यू है, अगर 400 साइकिल अगर मारेंगे अगर कैलकुलेट करने के तो लगभग 15 से 20 लाख रुपए नुकसान हो गए इनकी लापरवाही की वजह से। ये पैसे उनके पर्सनल पैसे नहीं, जब गवर्नमेंट इनको पैसे दे रही तो वो पैसे हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसे हैं, जो हम खून पसीना जो से पैसा बनाते हैं ना, वो पैसे पैसों के टैक्स के पैसों से वो साइकिल लिया गया सो है, और वो साइकिल सही डिस्ट्रीब्यूट ना, तो इसके सरासर जिम्मेदार एजुकेशन डिपार्टमेंट और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और कहीं ना कहीं ये हमारी आवाम भी है, क्योंकि जब इतने साल से जब स्कूल्स में वहां पर स्क्रैप में साइकिल पड़े थे तो आवाम का काम था जाकर बीओ को पूछना कि ये जो स्टूडेंट का हक था ये क्यों नहीं पहुंचा उनको, क्यों आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे। ये हमारी खामोशी की वजह से आज हमारे बच्चे इलिटरेसी की तरफ चले जा रहे हैं, आज हमारे बच्चे क्राइम की तरफ जा रहे हैं, कोई बेरोजगारी के वास्ते आज तक आवाज उठाए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कोई पूछे कि गुलबर्गा में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आए, गुलबर्गा में फैक्ट्रीज क्यों नहीं आ रहे, गुलबर्गा में जॉब एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा, गुलबर्गा के जो एज पर कनेडिगा लेबर लॉ के हिसाब से 75% कनेडिगास को जॉब होना चाहिए इंडस्ट्रीज में, अगर आप सर्वे करके देखेंगे गुलबर्गा में जो इंडस्ट्रीज है सीमेंट इंडस्ट्री वहां पे आपको 75% है, 25% गुलबर्गा के कनाडिगास, कर्नाटक के कनाडिगास वहां पे जॉब करते हुए मिलेंगे, वो भी लो लेवल कैटेगरी में आपको मिलेंगे, प्रोफेशनल पोजीशन पे कोई बच्चा नहीं आज भी, उसके चपड़ा फट रहे जॉब देने के लिए मगर उसको जॉब नहीं मिल रहा, तो इसके जिम्मेदार अवाम भी है, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों को, ऐसे करप्टेड लोगों को हम चुन के लाते हैं जो ना तो आपका मुस्तकबिल बनाते हैं ना आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनाते हैं। लिहाजा बीओ डिपार्टमेंट की तरफ से 2 दिन में वो लोग हमको एक रिपोर्ट देंगे जिसमें वो लोग जिस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करें, हम बराबर जनता दल पार्टी यूथ की तरफ से एजुकेशनल विंग की तरफ से हम बराबर उसको पर्सनली सर्वे करेंगे, अगर उसके अंदर चोरी करप्शन बिके या ऐसा कोई भी चीज नजर आएंगी बराबर हम उनके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे, और जनता दल पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा एजुकेशनल डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये हम वादा करते हैं यूथ और एजुकेशनल टीम की तरफ से कि गुलबर्गा में एजुकेशनल सेक्टर्स के ऊपर हम पूरा पूरा ध्यान देंगे और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जहां भी ये इंप्रूवमेंट प्राइमाइसिस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्वालिटी ऑफ टीचर्स अपॉइंटमेंट अगर ये नहीं रहेंगे तो बराबर उसके ऊपर लीगल कार्रवाई लेंगे। बहरहाल गुलबर्गे के अवाम को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके सामने अगर कोई इश्यू या कोई नजर आ रहा तो आवाज उठाने वाले बनो, आपकी खामोशी की वजह से आज गुलबर्गा हमारी ये हालत पे है, आज माइनॉरिटी आज ये हालत पे है,
आज हमारा हाल ऐसा हुआ है माइनॉरिटी का कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरों के वास्ते, दूसरे अगर हमारे लिए आवाज उठाएंगे तो हम उनकी वाहवाही कर रहे हैं, हम उनको आगे कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे लीडर, हमारे गुलबर्ग के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो जीत कर आने के बाद जो एक रहनुमा बनते हैं कौम का, वो क्यों आवाज नहीं उठा रहे? बहरहाल ये सारे इश्यूज इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आज वक्त आ गया हमें जागने का। आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप जो लोग आप लोगों के लिए और कौम के लिए काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए, और इंशाल्लाह जितने भी ये करप्शन हुआ है गुलबर्गा में, ये सारे स्कैम्स को हम गुलबर्गा के सामने ला के रहेंगे। शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर।